दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ आया हूं। आज हम लेके आए हैं एचपी का विक्टस गेमिंग लैपटॉप जो है FB0051AX, जिसकी हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके रिव्यूज देखेंगे और लैपटॉप को ओपन करके भी दिखाएंगे, आपको फिजिकली ओपन करके भी दिखाएंगे। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है, हम जितने भी लैपटॉप ओपन करेंगे सबकी कोशिश यही करेंगे कि उसको हम फिजिकली ओपन करके भी दिखाएं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम नए नए लैपटॉप की वीडियोस लेके आते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे हर लैपटॉप आपको फिजिकली ओपन करके भी दिखाएं, उसमें क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आज भी हम इस लैपटॉप का ऑपरेशन करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज एचपी का लैपटॉप विक्टस FB0051AX। तो दोस्तों, देखते हैं लैपटॉप के बॉक्स पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। एचपी गेमिंग लैपटॉप है, 15FB0051AX, AMD Ryzen 5 प्रोसेसर आता है, 5600H, 512GB SSD, 8GB RAM, नो ऑप्टिकल डिवाइस ड्राइव डीवीडी आइटम नहीं है, विंडो 11 के साथ है, 15.6 इंची की फुल HD IPS LED डिस्प्ले है, 250 nits और 144Hz के साथ, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB ग्राफिक्स है, B&O का ऑडियो है और 4 सेल की बैटरी है 70 watt पावर्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं लैपटॉप के बॉक्स में क्या क्या मिलता है। हम जब भी लैपटॉप अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले हमें मैनुअल ही दिखाई देता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग पढ़ते होंगे, लेकिन अगर समय मिले तो पढ़िएगा जरूर। एडप्टर निकालते हैं, हैवी एडप्टर है, गेमिंग लैपटॉप है। आप देखेंगे 200 वॉट का एडप्टर है। देखिए, गेमिंग लैपटॉप है इसलिए 200 वॉट का एडप्टर है, नहीं तो मोस्टली सारे लैपटॉप के साथ 65 वॉट के एडप्टर आते हैं, लेकिन गेमिंग लैपटॉप को ज्यादा पावर चाहिए होती है। तो चलिए अब लैपटॉप ओपन करते हैं। वाओ, एचपी की पैकिंग बड़ी जबरदस्त होती है। एचपी की बिल्ड क्वालिटी बड़ी अच्छी है। अगर हम बात करेंगे विक्टस की, देखिए विक्टस में आपको बता दूं, जो एचपी है तीन मॉडल्स निकालता है, तीन ब्रांड उसने गेमिंग के बना रखे हैं अपने। सबसे हायर में आता है ओमेन, उसके बाद विक्टस, उसके बाद पवेलियन। तो विक्टस हमारा पवेलियन से बेटर होता है। देखिए, अगर हम इसकी बैक साइड देखेंगे कितना बड़ा वेंट दे रखा है कूलिंग के लिए। हम आपको लैपटॉप को ओपन करके भी दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इतना बड़ा वेंट क्यों है। रबड़ दे रखी है, विंडोज 11 का स्टिकर्स है पीछे। दोस्तों, लैपटॉप को हम एक हाथ से ओपन करने की कोशिश करते हैं। एक हाथ से लैपटॉप ओपन हो गया है। अगर हम इसकी हिंजिस की बात करेंगे तो देखिए, जहां हम छोड़ देते हैं वहां पर रुक जाएगा। काफी अच्छी क्वालिटी के एचपी ने इसमें हिंजिस दे रखे हैं। विक्टस नाम ही क्वालिटी है अगर हम बात करेंगे एचपी की। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देखते हैं एचपी ने अपने इस विक्टस लैपटॉप में कौन कौन से पोर्ट दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड में देखेंगे, सबसे पहला पोर्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो है HDMI 2.1 HDMI आपको पोर्ट मिलता है आपके प्रोजेक्टर या LED कनेक्ट करने के लिए। साथ में दे रखा है USB SS 3.2, सुपर फास्ट स्पीड से आप ट्रांसफर कर सकते हैं डाटा। इसके साथ आपको दे रखा है LAN पोर्ट, RJ45, जो आजकल बहुत कम लैपटॉप में देखने को मिलता है, एचपी ने अपने इस लैपटॉप में दिया है, क्योंकि गेमिंग में कई बार हमें स्पीड अच्छी चाहिए होती है, इसीलिए एचपी ने इसमें लैन पोर्ट दिया हुआ है। साथ में दे रखा है टाइप सी कनेक्टर। राइट हैंड साइड पे देखते हैं लैपटॉप के, सबसे पहला जो दे रखा है वो चार्जिंग जैक है लैपटॉप चार्ज करने के लिए। दूसरा पोर्ट दे रखा है USB 3.2 सुपर स्पीड। एक हमारा लेफ्ट साइड में है USB, एक
राइट साइड में दो यूएसबी पोर्ट आपको इसमें मिलते हैं, एक है 3.5 mm का ऑडियो जैक जिससे आप हेडफोन स्पीकर लगा सकते हैं, एक आपका दे रखा है एसडी कार्ड रीडर। तो चलिए लैपटॉप को बूट अप करते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा बूट अप हो चुका है, जैसा कि आपको हमने पहले ही बता रखा है लैपटॉप फर्स्ट बूट अप होने में हमेशा 5-7 मिनट लगते हैं जो इसमें भी लगते हैं। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले कीबोर्ड की। आप देखेंगे कीबोर्ड जो इसमें आता है वो 15.6 इंची फुल साइज कीबोर्ड है, बैकलिट कीबोर्ड आपको मिलता है। अगर आप देखेंगे बैकलिट कीबोर्ड के साथ ये लैपटॉप आपको मिलता है विद न्यूमेरिक कीपैड, की टैबलिंग स्पेस काफी अच्छा है, माउस पैड देखेंगे एचपी टच पैड इमेज पैड के साथ आता है ये। आगे देखेंगे स्टिकर्स इसमें लगे हुए हैं 2021 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट के साथ, जिसमें वर्ड एक्सेल पावर प्वाइंट मिलता है, राइजन 5 का है, 5000 सीरीज आरटीएक्स के साथ ये ग्राफिक कार्ड आता है आपका, इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो आपको इसमें मिलता है इस लैपटॉप के अंदर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या है, एचपी अपने वेक्टर्स गेमिंग में आपको क्या क्या देता है। सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की, एएमडी राइजन 5 5600H विद रेडियन ग्राफिक्स के साथ आपको प्रोसेसर आता है, जिसकी बेस स्पीड 3.3 गीगाहर्ट्ज़ है, ये टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, ये भी बूस्ट अप होके 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक जाता है। कोर्स की बात करेंगे 6 कोर का प्रोसेसर है, मल्टीटास्किंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थ्रेड्स भी इसमें 12 आपको मिलते हैं। अगर मैं आपको अभी ब्रीफ में समझाऊं कि हमें मल्टीटास्किंग इस लैपटॉप में मिलती है या नहीं, 6 कोर फिजिकली कोर जो है हमें पता चल जाता है कि आपको इससे मिलती है। L3 कैशे देखेंगे 16 MB की इसमें L3 कैशे है, मेमोरी 8 GB की रैम है, स्पीड जिसकी 3200 MHz की है, स्लॉट यूज्ड 1। मैं आपको बता दूं इसमें भी 2 स्लॉट्स मिले हुए हैं, जब हम लैपटॉप ओपन करेंगे आपको वो ओपन करके दिखाएंगे, एक आपका ऑक्यूपाइड है एक आपका खाली है जो आप इजीली अपग्रेड कर सकते हैं, ये आपको हम डिटेल देंगे जब लैपटॉप ओपन करेंगे। एसएसडी की बात करते हैं, एसएसडी 512 GB की WD की इसमें एसएसडी लगी हुई है, जिसकी कैपेसिटी आपको यूज करने के लिए मिलती है 477 GB। वाईफाई 6 मिलता है, अगर आपका 5G राउटर है तो आपको इंटरनेट स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ब्लूटूथ भी इसका 5.2 है। GPU आप देखेंगे GPU 0 जो इसमें दे रखा है NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, ग्राफिक कार्ड इस जो इस मेन लैपटॉप इसका जो मेन है वो ग्राफिक कार्ड है जो इसका 3050 Ti मिलता है डेडिकेटेड। आप देखेंगे 4GB है, अगर आप शेयर भी करते हैं तो 3.7 GB शेयर हो जाता है, टोटल आपको 7.7 मिलता है। देखिए हमें शेयर पे इतना मैटर नहीं करता जितना हमारा डेडिकेटेड करता है, और डेडिकेटेड 4GB 3050 Ti ग्राफिक्स आप इसमें गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें AMD का प्रोसेसर है तो मल्टी ग्राफिक्स के साथ आता है, तो डेडिकेटेड इस पे 512 भी मिलता है जो हमेशा AMD अपने प्रोसेसर के साथ देता ही है। बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, 3-साइड नैरो बेजल के साथ आपको इसका डिस्प्ले मिलता है 15.6 इंच में, फुल HD स्क्रीन है 1920x1080 की, 144 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको ये स्क्रीन आती है और 9ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ, IPS डिस्प्ले है, माइक्रो एज और एंटी ग्लेयर के साथ, 250 nits है और कलर गोमेंट 45% के साथ आपको ये स्क्रीन आती है। कैमरे को देखते हैं अगर हम इसके तो HP वाइड विजन 720p HD कैमरा आता है विद टेम्पल नॉइस रिडक्शन के साथ और इंटीग्रेटेड ड्यूअल एरो डिजिटल माइक्रोफोन्स के साथ आपको कैमरा मिलता है। तो चलिए दोस्तों समय आ गया है लैपटॉप का ऑपरेशन करने का, नया लैपटॉप विक्टर्स ब्रांड न्यू, इसको ओपन करते हैं। ये देखिए विक्टस न्यू लैपटॉप जो ओपन हो गया है, आप देखेंगे बड़ा क्लीन लैपटॉप है, ब्रांड न्यू लैपटॉप है जिसकी हमने सील आपके सामने ही ओपन करी है। बात करते हैं लैपटॉप की,
देखिए आप देख रहे होंगे, आपका जो जब भी लैपटॉप खुलता है सबसे पहले फोकस हमारी, जब भी हमारा विक्टर्स या गेमिंग लैपटॉप कोई भी खुलता है तो सबसे पहली नजर हमारी फैन पे जाती है। डुअल फैंस होते हैं हमेशा, क्योंकि जैसा कि अभी हम जब कॉन्फिगरेशन की बात कर रहे थे हमने आपको बताया था इसमें 3050 Ti ग्राफिक कार्ड है। तो एक हमारा जो फैन होता है वो ग्राफिक कार्ड के लिए होता है, एक फैन हमारा होता है प्रोसेसर के लिए। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं, जैसा कि ये हीट सिंक से हमारे फैन कनेक्टेड हुए हुए हैं सीपीयू और ग्राफिक्स के साथ, दोनों हमारे कनेक्टेड हैं। देखिए बोर्ड के ऊपर फैन नहीं लगा सकते, अगर फैन बोर्ड के ऊपर लगा देंगे तो लैपटॉप की थिकनेस काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे इन्होंने जहां पे मदरबोर्ड नहीं है वहां पे फैन लगा रखे हैं और उसको हीट सिंक के थ्रू अटैच कर रखा है ग्राफिक्स और प्रोसेसर के साथ। मैं आपको बता दूं ग्राफिक और प्रोसेसर आप अपग्रेड नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको अपग्रेड करना हो तो पूरा बोर्ड आपको अपग्रेड करना पड़ेगा कभी भी किसी भी प्रोसेसर को अपग्रेड करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रैम। जैसा कि हमने दिखाया था कॉन्फ़िगरेशन में रैम के दो स्लॉट से एक स्लॉट ऑक्यूपाइड है, एक खाली है। आप इसमें अगर आप 8 GB लगी हुई आप अपग्रेड करना चाहेंगे तो 8 GB एक और लगा सकते हैं तो 16 GB हो जाएगी। अगर आप 32 GB करना चाहते हैं तो इसको एक रिमूव करके आपको 16 GB की दो रैम लगानी पड़ेगी, आपका ये लैपटॉप अपग्रेड हो जाएगा। आप इजीली रैम इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें देखेंगे यहाँ पे हमारी वेस्टर्न डिजिटल की SSD लगी हुई है 512 GB की, हमने देखा 512 GB की SSD है, इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है, इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा तभी आप इसमें SSD एक्स्ट्रा लगा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वाईफाई 6। हमने बताया था आपको वाईफाई 6 है वो ये यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए ये हमारी बैटरी है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे जो बैटरी है बहुत ही लंबी बैटरी है, 4 सेल की आपको बैटरी दिखाई थी हमने, जो 4 सेल की बैटरी है 70 Wh के साथ। मैं आपको बता दूं जो HP कहता है इस पे क्लेम करता है वीडियो प्लेबैक के साथ, इसका बैटरी बैकअप 14.3 Hours का बैटरी बैकअप आता है, लेकिन देखिए ये वीडियो प्लेबैक के साथ मिलता है। अगर आप जब वर्किंग कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं या ग्राफिक्स कर रहे हैं तो आप मत एक्सपेक्ट करिएगा आपको 14 Hours का बैटरी बैकअप मिलेगा। नॉर्मली इसका बैटरी बैकअप 6 से 8 घंटे के आसपास रहता है, डिपेंड करता है आप क्या काम कर रहे हैं। देखते हैं इसमें और क्या क्या है। अगर आप देखेंगे साइड में 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं और इसमें खास कुछ है नहीं, तो हमने देखा हम इसमें 2 ही अपग्रेड कर सकते हैं, एक रैम और एक SSD, इसके अलावा हम लैपटॉप में कुछ भी अपग्रेड नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज हमने देखा HP विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप FP0051AX गेमिंग लैपटॉप है। हम बात करेंगे यूज की, तो जैसा कि इसके नाम में है गेमिंग अगर आपको करनी है आप ये लैपटॉप ले सकते हैं। मल्टीटास्किंग है, गेमिंग आप करेंगे और ग्राफिक्स का काम आपने करना है, डिजाइनिंग का काम करना है, 3D का आपने काम करना है, ये सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। बेसिक काम आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह ये सब काम कर सकते हैं या नहीं, ये आपके सारे काम इसमें इजिली हो जाएंगे। देखिए इसमें जो बेसिक हम कहेंगे जो फीचर्स दे रखे हैं, एक आपकी स्क्रीन दे रखी है जो हमने बताई, स्क्रीन की डिटेल आपका 144Hz की स्क्रीन, इसमें जो आपका हमने बताया हमने दे रखा है ग्राफिक कार्ड 3050 Ti NVIDIA GTX जो मेन इस लैपटॉप के अट्रैक्शन है। बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की, मार्केट में आपको ये 70 से 75,000 के अप्रॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। कुछ स्टोर की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके देख के ले सकते हैं। लैपटॉप ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, HP इसमें 1 ईयर ऑन साइट वारंटी सपोर्ट देता है। आप इसको अपग्रेड भी करा सकते हैं, टाइम टू टाइम ये ऑफर चेंज होती रहती है, जब आप जाएंगे सेल्स पर्सन से आप पूछ लीजिएगा उस टाइम क्या ऑफर चल रही है। HP इसमें एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी देता है, वो भी आप सेल्स पर्सन से पूछ सकते हैं। हमने काफी कोशिश करी है कि सारा का सारा कॉन्टेंट इसमें कवर कर सकें, फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और हम कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यही कहूंगा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले जितने भी नए लैपटॉप्स होंगे हम कोशिश करेंगे सबकी अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही साथ सबको फिजिकली ओपन करके भी दिखाएंगे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।